हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू गोभी की रेस्टोरेंट स्टाइल कह लीजिए या हलवाई स्टाइल कह लीजिए सब्ज़ी, जो कि हम घर में बना नहीं पाते। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें मार्केट की वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम वो बनाते भी अगर ट्राई भी करते हैं तो वो वैसे नहीं बनती है जैसे हम खाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज बिल्कुल आपकी सब्ज़ी वैसे ही बनेगी जैसे हलवाइयों की बनती है। तो अपने घर में तैयार हो जाइए हलवाइयों की तरह सब्जी बनाने के लिए। पहले इसके लिए मैंने लिया है गोभी, ली है आधा किलो के करीब गोभी है एक फूल, और उसको मैंने थोड़े लंबाई में और मोटा मोटा कट कर लिया है। इसी तरह मैंने दो आलू लिए हैं और उसको लंबाई में मैंने काट लिया है, थोड़ा मोटा रखा है। जैसे हम पोटैटो वेजेस बनाते हैं इसी तरह के मैंने वो आलू कट करे हैं। साथ ही साथ इसके लिए मैंने दो टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं और एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। एक से डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है, और दो कलियां मैंने लहसुन की ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डालना चाहते, कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में पूजा के लिए भी सब्ज़ी बनाई जाती है तो उस समय हमें बिना प्याज के ही खाना बनाना होता है, तो ऐसे में आप प्याज और लहसुन मत डालिए और टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, एक से दो टमाटर आप इसमें और डाल दीजिए, तो भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे, हमें मीडियम हॉट ऑयल में आलू फ्राई करने हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आलू जो है वो बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो हमें इसे डालते ही गैस को मीडियम कर देना है। दो से तीन मिनट में हमारे आलू जो है वो हल्के ब्राउन कलर के होने लगे, गोल्डन कलर के होने लगे हैं। अभी हम इन्हें तकरीबन एक से डेढ़ मिनट और रखेंगे, क्रिस्प फ्राई इन्हें होने देंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमारे आलू जो है वो क्रिस्प फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें इस स्टेज पे निकाल लेंगे। हमें अपने आलू ऐसे चाहिए, आपके फ्राई होने में एक दो मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, कम या ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे फ्राई चाहिए। तो अपने टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम अपने इसी ऑयल में अपनी गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अब हमने अपनी सारी गोभी ऑयल में डाल दी है और ऑयल इसे भी हमने मीडियम ऑयल में ही फ्राई करना है। इसे भी तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे क्रिस्प होने में। तो देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी गोभी को अब मैंने तेज़ आंच पे कर दिया है, फ्लेम तेज़ कर दी है, क्योंकि ये गल चुकी है। अब बस इसे क्रिस्प फ्राई करना है और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारी गोभी भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो अब हमारे आलू गोभी फ्राई हो चुके हैं, अब हम अपने उसी पैन में से हमने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है और हम इसी में अपने मसाले को सौटे कर लेंगे। प्याज को हम हल्का भून लेंगे, हल्का भूरा होने पे हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ अपनी अदरक चॉप की हुई डाल देंगे। अगर आप चॉप की हुई अदरक नहीं डालना चाहते तो आप बारीक कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं या पेस्ट भी इसका डाल सकते हैं। इसी तरह से हम लहसुन को भी इसमें डाल देंगे और इसको प्याज के साथ ही सबको भून लेंगे। तो देखिए, अब हमारा प्याज अदरक लहसुन का मसाला भून चुका है, अब हम इसमें अपना टमाटर डाल देंगे। और इसे भी मसाले के साथ ही भून लेंगे। जितनी देर में ये भून रहा है फ्रेंड्स, उतनी देर में हम अपने ड्राई मसालों की तरफ चलेंगे। मैंने इसके लिए 1.5 चम्मच लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच काला नमक और नमक स्वाद अनुसार। ये सब मसाले हम अपनी सब्जी में यूज़ करेंगे। तो अब हम अपनी लाल मिर्च, अमचूर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, काला नमक और नमक, इन सबको हम अपनी सब्जी में डाल देंगे।
ये आप देख रहे हैं कितना ड्राई हो गया है हमारा मसाला। इसमें हम तकरीबन एक चौथाई कटोरी पानी डाल देंगे या एक से डेढ़ करछी पानी डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला जो है वो जले ना, ड्राई मसाले हमने डाले थे वो जले ना और वो अच्छे से भुन सके। तो इसे हम धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे और जब ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, ऑयल ऊपर आने लगेगा, तब हम अपनी आलू गोभी को इसमें डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल मसाले ने रिलीज़ कर दिया है। अब हम अपनी सारी आलू गोभी को इसमें डाल देंगे। अब हम इस मसाले के अंदर अपनी आलू गोभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा मसाला आलू गोभी पे लग सके, क्योंकि हमारी आलू गोभी तो फ्रेंड्स फीकी है बिल्कुल, इसमें कोई मसाला नहीं है। जो हमने भुना हुआ मसाला डाला है वही सब्ज़ी को एक बढ़िया टेस्ट देंगी और टेक्सचर देंगी। तो इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये सारा मसाला जो है वो आलू गोभी पे कोट हो जाए, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पैन पे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हमने अपना पैन का ढक्कन खोला है और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब बस हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो देखिए आपके मार्केट स्टाइल कह लीजिए, हलवाई स्टाइल कह लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल कह लीजिए, आपके आलू गोभी बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप चपाती के साथ, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।